होता है, ये रास्ता किसी भी बात नहीं होती। मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा आदमी कहाँ जा रहा है। आप अपना मतलब बताइए, क्या चाहते हैं, क्या विचार बनाए हैं आप? कुछ तो यही मालूम होती है कि वो जा रहा है हमारे यहाँ के साथ जा रहा है, लेकिन साथ को नहीं जाना चाहिए। अब ये साथ को जाएगा तो मैं पूरा फिर जब जाएगा साथ में जाएगा तो मैं नहीं जाऊँ। क्यों नहीं जाऊँ, क्या हो गया तुम? आप कुछ समझ करो, पहले से ही पूछ लिया करके कि आप मेरी बात समझ कर रहे हो। तो कोई बड़ा हुआ उसको रोका गया, अब छोटे को तो सब नहीं चल रहा। अब ये साथ में जाएगा फिर मैं उनकी पहचान कर पाऊंगी, फिर फूल आपकी बात कर पाऊंगी, बात का फूल या वो आपको पता करूंगी कि कर्म का मौसम तो मैं किसी का आता। आपने यहाँ पर कहानी खड़ी कर दी, एक तो भैया से ऐसे ही कहानी हो रही है। मैं तो हमें दे दो ना, तुम्हें दे दे। तुमने कहा कि जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। एक बार बताओ, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, ड्यूटी करने वाला ड्यूटी जाएगा, तुम जाओ अथवा ना जाओ, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मुझे जाए तो उसको जाने दो। अरे किसी ने कह दो आप चार पाँच पाँच बजे जाएंगे। हम दोनों पहले बाग बाग में अपने भाभी बुला रहे हैं। लाइए आप
क्यों? पहले बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ कि आगे आगे है तुम चले हो, यानी आगे में चले हो, और ताकत प्रथम तुम्हारी भाभी, यानी हमारे पीछे हमारी भाभी चलेगी, और क्या ताकत प्रथम चले हम, यानी सबसे पीछे आप चलेंगे, और क्या प्रथम का मान हो यार, क्या हो जाएगा तुम, हम जाओगे दिन बुला है चबेली है ये बात है मैंने पेड़ पौधों को बताएंगे क्या जोगी माता क्या जोगी माता भैया से कहा है वो नहीं लगता वो लगा अपना है मैं ड्यूटी लगी हुई है ड्यूटी बनने जाऊंगा भैया और ये
किया था। आज भैया मेरे लिए फूल है क्या, मेरे प्राणों के लिए जैद की छुरी बना के तैयार हो जाए कि चिराग मेरे का पहुंच जाएगा तो फिर तुम्हें संभालने वाला कौन होगा। होने से दिन का लो भाई जी गोपाल बाग का नमस्कार करता हूँ।
ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ आपने कहा कि भैया ने सारे रस्से को सोने लगवाई है एक अधूरे को लगवा दिया। अरे माता ये जो सारे रस्से हैं इनसे अच्छा होता है अधूरा। ये सभी लोग जानते हैं माता माता साल में त्योहार होता है फागुन के महीने में शिवरात्रि पड़ती है। शिवरात्रि के दिन नतोड़े के फल और फूल सबको पता चल जाते हैं कि भोले बाबा का नशा है और सामने ये मंदिर बना हुआ गुरुवाणी का मंदिर है।
तो राजा मालूम तो हो रहा है क्या हो रहा है। कोई भी आ सकता है, इसकी अच्छी छाड़िए तो कोई भी बैठ सकता है। अगर ये पाक लगा है हमारी बीवी और हमारा भाई अगर इस फूल बाग में आया है तो एक पेड़ के साथ बैठ सकता है, इसमें कोई गलत बात क्या है महाराज? आपको 18
साल के हो चुके हैं, मैं तुम्हारी शादी करूंगा, तो हम लोग कह रहे थे, कह रहे भैया अगर मैं शादी करूंगा तो मैं हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि ये हमारी सेवा बताना जो सुनाने की सेवा नहीं कर पाया। क्या ये
क्या कहा है? चले जाओ। महारानी ने क्या कहा है? महारानी खोले पानी कहीं क्या खोले पड़ेंगे? दरवाजा और का महल का और का राज क्या चले जाओ धक्का कान है। अरे मेरी बात कुछ नहीं महाराज तुम जाए तुम क्या करोगे? करने का तुम उसी से गाइड कर रहे हो। अजमेर में क्या करोगे? Thank you.
हेलो, ये हमारे श्री हमारे मकान वाले पुष्पक जी, ये हमारे तहरी दिल्ली के निवासी है। यहाँ पर बहुत काम करते दिल्ली आते हैं, तब से आते तो लोगों की जरूरत करवाती है। ये पुष्पचार तब से 10 रुपये का पुरस्कार मुझे फ्री है और उनका कहना है महारानी से थोड़ी बोल तो मार दो। Yeah.
जापान की चिट्ठी के सुखम प्रवाह उत्तम तो मैं
बताओ, भोले पुराने साल जाके आज तक कौन देख पाओ? से कसम मतलब औरत इस कलयुग में अपना हर एक छपाने की कोशिश करेगी। और आज मैं तुमसे कह के जा रहा हूँ, हमारी स्त्री हो तो चाहे तुम्हारी, अगर बात बात पे कसम खाए तो तुम क्या जाने पे तो शरीर बनाए नंबर वन की भोगे बात है हमारी कमलों। हम ये नहीं कि आपकी कम मैं अपनी भी कराऊ, लेकिन कथा में सुनेगा आगे क्या होता है। हेलो, हमारे माता मुकेश फेंकेगा 10 रुपया बिल्कुल फ्री जा रहे और कह रहे रानी को सूट है। हेलो मिट्टी के बाबा बच्ची नमस्कार करता हूँ। हमारे तुमने हमें हसत कहाँ देखो? अरे नाला कहीं भी आप तक कौन पाता है? सभी परिवार पत्नी की आगे पति की नाराज होने का केवल दो ही कारण होते हैं, या तो पत्नी कहना नहीं माने या पति को कोई शंका हो गई। अरे लुंगी बुंगी नार एस करे हर कौन संग थगी तुले धर क्या
चेहरी में जाता हूँ। हमारे और साथियों, पहली पार्टी
और पिछड़ा की बुआ ये 30 रुपया अगर कोई खरीद रहे और राज साहब का कहना जा है महारानी को अगर मारे तो झंडे ही नहीं तुम्हें आज भी तक कराने दिए और तुम्हें कहो बाबा मत पाकी देना लगे और हर तोरे लहर बलो हलो 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 ये रमेश आप अश्विनी राशि 10 रुपया रखो खेलने को नमस्कार करता हूँ हेलो ये हमारे राजा मनोहर गौतम अश्विनी राशि 20 रुपया हेलो ये ओम कुमार अश्विन निवासी ये 100 रुपया बिहार करे भैया जी को नमस्कार करता हूँ बेटा के सवाल क्या कह रही है बेटा के सवाल कौन सा तेरे माथे पे लिखवा जब भी बेटा समाज समझती अरे अगर बेटा समाज समझती तो उससे चंदन ये अफवाह नहीं फैलती नाराज नहीं थी आप समझती दुनिया पढ़ाने वाले तो बिल्कुल होती बिगाड़ने वाले हजार सभी सुनिए आहा कहिए Oh,
नमस्कार करता Yeah.
दिमाग से देखा तो प्रणाम। हेलो, ये हमारे हरे राम बाबा जी और उनका कहना है हरे राम बाबा को श्रोता गुरबानों का कि तुम्हारे नाती नहीं रखा है रखा तो मुंशी जी को बताए। क्या कह रही है और ये आ गए बिठिया के ताऊ बड़े बीस रुपए का पुरस्कार सुबह धीरे बार बार नमस्कार करता हूँ। हमारे का सेवा को 50 रुपए बताएंगे, हमारे का सेवा को 50 रुपए बताएंगे, लेकिन माता है भाई जब दुनिया में तो मेरा सब तेरे जैसी। अगर हम मर भी जाएंगे तब भी कहेंगे कि तेरे जैसी हो। पहले कहा और कुछ कहने पर आ स्वामी अपने बढ़िया को मरवा कर पहले सुनिए कभी जब मैं सफल पहले कहा कि हर कौन तुम्हारा भाई है तो देवर मेरा प्यारा है हर बात का मैं तुझे जवाब दूंगा कि भाई था भाई कब तक होता है जब भाई के तरह से है अगर भाई कलिया नाम बन जाए तो वो भाई फिर नहीं रहता है।
चला है, अगर तेरे समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो तुझे तो आश्री में मतलब तो है ही है। सुनिएगा, ये हमारे भाई साहब चरण सिंह भाई साहब की तरफ से 10 रुपया रानी के लिए है, 10 रुपया राजा के लिए है, 10 रुपया मुंशी जी के लिए है, 30 रुपए का पुरस्कार देखो 50 रुपए जरूर ठीक दे रहे हैं। और उनका कहना है कि राजा साहब और अगर रानी को ज्यादा मार रहे हो तो तुम अच्छी बन हम लोगों तमाशा रह गया है केवल फिसलन, इसके बाद नाच गाना सुनिएगा, क्योंकि रात हमारी मतलब रात तुम्हारी और दिन हमारा, इसके बाद कोई मत बोलना डांस चालू करवा दूंगा। सुनिएगा यार, आओ ब्रा, बढ़िया है।
करो। अब बताया कंपनी तो आई क्या है।
हमारे मेरे कलाकार से कहा कि जितनी जानकारी मैं जितनी हमारी जनता जनार्दन बैठी है जरा हाथ उठाओ मेरे सामने आप फाल फेंका असली में कितने पढ़े लिखे वो मेरे सामने आए और ये कहा कि अखिलेश यहाँ पर फाल थे की बात नहीं है। हम भी तो जाने कि हाँ यहाँ पर भाल अखिलेश हुए वैसे तो 16-17 साल हो गए आज तक अखिलेश का ये चेहरा चलता है और ये तो जो पाए के नीचे की बात है कानपुर आ गया दूर दूर ये प्रोग्राम जाता है आप ये बताइए कि भाल फेंका मैं जब मंच पे आया था मैं क्या बोला था कि जब जब मैं असली में आऊंगा जोन भी कथा कहूंगा अगर कोई फाल हो जाए तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो ये प्रोग्राम खंड की बात नहीं हो रही है उनका कहना है कि अगर आपने स्त्री को गलत देखा है ये नौटंकी की बात नहीं हो रही है देखा है क्या नहीं सही बोले का मतलब उन्होंने जो बताया है कि तुमने कोई बात देखा हो या जान तो तुम पहुंच नहीं पाओ कर पहुंच नहीं पाओ राजा मन बनियो राजा अश्विन नहीं बनते अगर तुमने प्रहार कर दिया तो तुम्हारे लिए आकुंस है हाथी बैठो हाथी हमको सुनाए अगर तुम विश्वास करो तुम मुझे अजमाश कर लो मेरी परीक्षा दे लो मैं तुम्हारे दिमाग में कभी गलत हो गया अच्छा मुझे तुम मुझे मार दो ऐ भाई पर खलीरा का
कोई टैक्ट रहती है
जो गले गले में भीख मांगते हैं कि महात्मा ने भाड़ कहलाते हैं फरुआ। और क्या तेने क्या कहा कि मैं पतिव्रता कहलाऊं। अब तेरी बारी आ गई, अगर तू पतिव्रता है तो मेरी बात को सुनेगा। Oh,